उसमें होता ये है कि एंगर मैनेजमेंट की कोई एक टेक्निक नहीं है जो मैं बताऊं कि हाँ इससे आप एंगर मैनेज कर सकते हैं। बड़े बड़े वाइड से ये वो हैं सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए ढेरों टेक्निक्स और स्किल्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। मूड मैनेजमेंट बाकायदा एक सब्जेक्ट है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं ना वो 4 पिलर्स ऑफ मूड मैनेजमेंट हैं। यानी अगर किसी इंसान ने अपना मूड काबू में रखना है ना, ठीक रखना है, तो वो इन 4 पिलर्स पर काम करना शुरू कर दे। जिसमें सबसे पहला पिलर जो है ना वो हेल्दी इनटेक का है कि आप खाएं अच्छा। अच्छा खाने से क्या मतलब है? बैलेंस डाइट। मूड मैनेजमेंट, मूड मैनेजमेंट के लिए 4 पिलर्स जो हैं ये बहुत एक इफ़ेक्टिव चीज़ है। किसी भी इंसान ने उसके साथ अगर मूड मिजाज के उतार चढ़ाव होते हैं या उनको गुस्सा आता है या उनके साथ नींद के मसाइल हैं, तो वो इन 4 पिलर्स से अपनी रूटीन बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और उनको दवाई की कम से कम ज़रूरत रहेगी। इसको कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ मूड मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला पिलर है हेल्दी डाइट इनटेक, जिसमें आप हेल्दी खाना खाते हो। हेल्दी खाने से मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप सैलड्स खा रहे हो और आप बिल्कुल अपने आप को डिप्राइव कर रहे हो कार्ब से, शुगर से। हेल्दी खाने का मतलब होता है बैलेंस डाइट, जो खाने के बाद आप बिल्कुल निढाल ना महसूस करो अपने आप को। जिस तरह ढेर सारे पाए, निहारी और नान खाने के बाद लोगों की क्या हालत होती है, ढेर हो जाते हैं ना, तो फिर तो बस बिल्कुल ही गए काम से। और इसके अलावा अगर किसी ने कोई ऑमलेट, ब्रेड, चाय, इस तरह की कोई चीज़ ली हो जो बहुत ज़्यादा उसमें ना हो, क्वांटिटी में ना हो, तो उसके बाद वो थोड़ा एक्टिव नहीं रहते। कोई भी ऐसा खाना जो ढेर सारा नहीं होता क्वांटिटी में, वो खाने के बाद आप निढाल नहीं होते। तो पहला पिलर ये है कि बैलेंस डाइट हो, हेल्दी डाइट हो। दूसरा पिलर ये है कि आप किसी ना किसी वॉक और एक्सरसाइज के स्ट्रक्चर में हो। यानी ऐसे ना हो जो इंसान बिल्कुल वॉक ही नहीं करते, या वॉक सिर्फ उन लोगों को नहीं। एहतशाम साहब, डिपेंड करता है। अगर कोई ज़्यादा खा रहा है तो उसका वेट गेन हो जाएगा, अगर कोई डिप्राइव रख रहा है अपने आप को खाने से तो उसका वेट कम हो जाएगा। बिल्कुल, वेट गेन एंड वेट रिड्यूस जो है ना ये डायरेक्टली लिंक्ड है खाने से। कोई दवाई, कोई खाली बीमारी आपको डायरेक्ट वेट गेन नहीं दे सकती। आप खा रहे हैं सरप्लस में, आपका वेट भर जाएगा, आप डेफिसिट में खा रहे हैं, आपका वेट कम हो जाएगा। तो दूसरा पिलर ये था कि आप किसी ना किसी तरह से अपने आप को वॉक एंड एक्सरसाइज के स्ट्रक्चर में रखें। यानी चलते फिरते रहें, ये ना हो कि दूसरे फ्लोर पर जाते जाते तक हालत गैर हुई हो सांस फूल कर, या आपको अगर थोड़ा सा वॉक करने का कह दिया जाए तो वो दिन आपके लिए बड़ा हेक्टिक रहा हो। इतनी आपको एक्टिव आपकी एक्टिव स्टेट होनी चाहिए कि एक दिन में 45 मिनट्स तो आप वर्कआउट या वॉक या ब्रिस्क वॉक के लिए निकालें ही निकालें। अच्छा, अब तीसरी जो चीज़ है ना वो स्लीप वेक साइकिल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 पर, और इसके बाद 4th वाली चीज़ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्लीप वेक साइकिल। उसमें होता ये है कि स्लीप होनी चाहिए सबकी हेल्दी, वेक उठना, WAKE, वेक। स्लीप वेक ये एक वर्ड है, स्लीप वेक, सोना जागना। अच्छा, इसमें होता ये है कि आपने रात की नींद लेनी होती है 7 से 9 घंटों की, लेकिन रात की, ये मैंडेटरी है। यानी अक्सर लोग पता क्या करते हैं, वो दिन में सो जाते हैं या वो अपनी 8-10 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं देखते। दिन में सो रहे होते हैं, शाम में सो रहे होते हैं, दोपहर में या सुबह में सो जाते हैं। कितने लोग थे आप में से जो सुबह में सोते थे 4, 5, 6, 7, 8 बजे? नहीं, कभी कभार दोपहर की बात नहीं मैं करी, मैं बात कर रही हूँ कि जिनका सोने का पैटर्न ये होता था कि रात जागना और फिर जब नींद आनी सुबह में तो सो जाना, और फिर 12, 1, 2 और उससे भी आगे तक सोए रहना। तो ये आते हमने डाली है ना तला साहब, अपने आप को गलत आते हैं। अच्छा, अब उसमें तीसरी चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, किताबों में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ने मूड डिसऑर्डर, किसी अच्छे खासे अच्छे बंदे ने, तला साहब नहीं बात करें, मूड डिसऑर्डर्स को दावत देनी है ना, तो वो सिर्फ अपनी रात की नींद को छेड़ लें, बाकी नशे भी ना करें, कुछ भी ना करें। अगर किसी बंदे ने अपने आप को मूड डिसऑर्डर्स में लेकर जाना है ना और मूड डिसऑर्डर्स एक्सपीरियंस करने हैं, तो वो सिर्फ अपनी रात की नींद को छेड़ लें, वो रात को जागना शुरू कर दें, दिन में सोना शुरू कर दें। नहीं, मैं कह रही हूँ कि नशे का बीच में है ही नहीं कोई कॉन्सेप्ट। हाँ, तो मैं बताने लगी हूँ उनका, आप ज़रा उनसे पूछ कर देखें उनके मूड मिजाज के मसले। और डॉक्टर्स हमेशा, एक डॉक्टर हमेशा नाइट नहीं करता, इसीलिए हमेशा शिफ्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी आप देखते हैं नाइट शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, फिर किसी और की ड्यूटी लगती है नाइट की। नहीं मिलती, वो सफ़र करते हैं ना। मैं आपसे कह रही हूँ कि ज़रा ऐसे लोगों से मिलकर देखें। एक तो आपको ना उनकी आदतें थोड़ी सी अजीब लगेंगी, आदतें अजीब एज इन कि उनकी प्रेफरेंसेस, जैसे ये जितने भी कॉल सेंटर्स के जो लोग होते हैं ये स्टिमुलेंट्स का दबा कर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो रेड बुल हो, चाहे वो स्टिंग हो, आइस हो, यानी कोई भी ऐसी चीज़ आपको ऐसे लोगों में ज़्यादा मिलती है जिनका काम रात को करने वाला होता है, ख़ास तौर पर कॉल सेंटर्स वाले, क्योंकि उनका काम है ये, अब उन्होंने उसके लिए करना है, लेकिन उनको हेल्दी कोई तरीका नहीं आता कि हम किस तरह से अपने उस साइकिल को मेंटेन रखें, तो उनका मूड चिड़चिड़ा रहता है। इसमें हेल्दी तरीका ये हो सकता है कि वो बग़ैर स्टिमुलेंट्स के नेचुरल कोई सप्लीमेंट्स पर चले जाएं, कि अगर उनको सुबह में नींद नहीं आती तो वो मेलेटोनिन की तरफ जा सकते हैं, बग़ैर इसके कि वो बेंजोडाइज़ेपीन्स या इसकी एडिक्शन में चले जाएं, या रात को जागने के लिए वो स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करें। वो अपने दिन में अपना स्लीप वेक साइकिल पूरा कर लें सिर्फ मजबूरी की हालत में। मैंने यहाँ पर डॉक्टर साहब को एक ऐसे ही पेशेंट का के सवाल का जवाब देते सुना था जिन्होंने कहा था कि मजबूरी है, काम ही हमारा रात का है। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक शिफ्ट रात की चूज़ करते हो तो फिर आपको सारी ज़िंदगी रात को ही काम करना पड़ेगा, आप वहाँ पर भी शिफ्ट्स बना सकते हो, जिस तरह हमने यहाँ पर बनाई हुई है कि हमें ज़रूरत है रात में डॉक्टर की, रात में स्टाफ की, रात में हम बंद नहीं कर सकते काम, तो उसको शिफ्ट्स पर ले जाएँ कि एक हफ़्ता ये लोग रात के होंगे, अगला हफ़्ता ये मॉर्निंग में चले जाएँगे, फिर इवनिंग में चले जाएँगे, फिर रात में आ जाएँगे। एहतशाम साहब, फिर जिनके पास ऑप्शन इस तरह की कम है ना, फिर उनके पास उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है अपने मूड का ख्याल रखने की। फिर उनको चाहिए कि अगर वो रात वाली चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते ना, तो वो कम से कम आइस, कोकेन, रेड बुल, स्टिंग, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर दें और काम कर लें सिंपल। मैंने आपको कहा ना कि अगर उनके पास विंडो ही नहीं है कहीं और जाने की, तो फिर वो इन सारी अननेचुरल चीज़ों की एक लिस्ट बना लें कि मैंने इस तरफ नहीं जाना, बाकी मैं ऑलरेडी अपने साथ जो है ना वो पूरा कर रहा हूँ रात को जाकर, तो मैंने अपने मूड का ज़्यादा ख्याल रखना है, मैंने 10,000 स्टेप्स लाजमी चलने हैं क्योंकि मेरा उससे मूड ठीक होगा, अदरवाइज़ मैं चिड़चिड़ा रहूँगा, अदरवाइज़ मुझे इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तीसरा पिलर था ये। चौथा पिलर है रिलेशनशिप का, हेल्दी रिलेशनशिप्स। अब ये जितना इम्पॉर्टेंट है ना इसीलिए लास्ट पर है। आप लोगों ने इसके फोर्थ पिलर होने को ये नहीं सोचना कि कोई लेस इम्पॉर्टेंट सी चीज़ थी, या हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ जितनी अहम होती है ना वो उतनी देर बाद होती है। ये 4 पिलर्स ऑफ मूड मैनेजमेंट हर बंदे के लिए, चाहे वो कोई पेशेंट हो, चाहे वो कोई और डॉक्टर हो, चाहे वो कोई एक आम इंसान हो जिसको मूड मिजाज के मसले नहीं है, अगर वो इन चारों पिलर्स पर काम करना शुरू कर देंगे कॉन्शियसली तो उनकी ज़िंदगी में मसाइल कम से कम होंगे। मैं बात कर रही थी कि इसके 4th नंबर पर होने को ये नहीं सोचना कि ये कोई लेस इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है। जैसे पीएचडी आप अपनी लाइफ में सबसे एंड पर करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ए लेवल्स के बाद हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि वो इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी मैच्योर चीज़ है कि उस तक जाने के लिए आपको बड़े माइलस्टोन्स में से गुजर कर जाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मुझे एक चीज़ देखने का इत्तेफाक ये हुआ कि मैं एक मॉल में थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक खातून थी, वो जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं उनको कुछ कहे थे अपनी ट्रॉली में रखने के लिए, तो उनको शायद मिल नहीं रहा था, थोड़ा टाइम लग गया, तो उन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि इतना टाइम हो गया मैं कह रही हूँ, और उनकी आवाज़ काफ़ी रूड थी और बड़ी शार्प सी थी। तो वो अब वो आगे से कुछ बोल तो नहीं सकते थे ज़ाहिर है, तो उन्होंने ढूंढ कर जब वो चीज़ दे दी, अब मैं ज़रा थोड़ा डिस्टेंस से ये देख रही थी, फिर वो चली गई, तो जो बाकी कोई सॉस थी बॉटल पकड़ी उन्होंने, तो वो उन्होंने ज़ोर से रखी वापस उस सेक्शन में। ज़ाहिर है उस इंसान को भी तो गुस्सा आया था ना, जिस पर आप गुस्सा करेंगे वो आगे किसी पर करेगा, ऐसे ये चेन बनती है सबॉर्डिनेट्स पर, हम इस तरह से चीज़ें डिस्प्लेस करते हैं। तो अब मैं बाद में उस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि हो सकता है कि उन खातून के अपने घर में कोई मसले चल रहे हों जिससे वो ऑक्यूपाइड हों, और आकर उन्होंने वहाँ पर नज़ला निकाला, चाहती तो वो हैंडल कर सकती है ना उसको। मेरे और आपके लिए कितना आसान है ये कह देना कि हम ऑलरेडी बड़े स्ट्रेस्ड आउट हैं, इसलिए हमसे ये गलती होगी। जिम्मेदारी लेना कोई भी नहीं जानता, ऐसे ही है सुफियान साहब। अब आपसे जो गलती हुई, मैं गलती कहूँगी उसे क्योंकि आपकी रिकवरी काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो आप किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका? आपने कितना इल्ज़ाम लगाया कि हुआ ही आपकी वजह से है, आप ना गुस्सा करते मैं ना नशा करता। चले मान लें कि उन्होंने बहुत बुरी तरह गुस्सा किया, जो कि नहीं है ऐसा, तो क्या फिर भी उस्मान साहब नशा करना बनता है बदले में? जिम्मेदारी लेना बनती है ना, कि एक बंदा कैसे कह सकता है कि मेरा सारा कसूर आप लोगों का है। अब्दुर्रहमान साहब, आप किस पे जिम्मेदारी डालते हैं अपने साथ होने वाली हर चीज़ की? 7 हैबिट्स में ना पहली हैबिट में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 2 सर्कल्स होते हैं, एक सर्कल ऑफ कंट्रोल, एक सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। अब ये वो चीज़ें हैं जिस पर मैं और आप बैठकर घंटों इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको कैसे बंद किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, लेकिन मेरा और आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि मैं एक को समझा लूँगी, 2 को समझा लूँगी, जहाँ 30 लोग हों मैं एक एक को नहीं समझा सकती कि आपने ये चीज़ नहीं ब्रेक करनी। मेरे इख्तियार में ये है कि अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो मैं उसको संभालने की कैपेसिटी में हूँ, जो कि हम फिर इस पर अपना सारा जोर लगा देते हैं कि अगर ऐसा कोई हादसा हुआ ना, एक क्या कौन थे यहाँ पर पिछले दिनों बहुत हैवी वाला ऐसा हादसा हुआ था, आप में से थे कोई उनके बैच में, एक पेशेंट को किसी ने न्यूज़ ब्रेक कर दी थी आते ही, उनको किसी ने न्यूज़ ब्रेक कर दी 100 दिन और 1 महीना उनकी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी तरह से इस चीज़ से अफेक्ट होती रही थी कि वो अपने लिए भी ख़तरा थे, वो दूसरों के लिए भी ख़तरा थे। उनके साथ 2 मसले थे, एक अगर इतना सच ज़रूरी होता ना और इतने हम मुसलमान सच को प्रीच करने वाले होते तो हम बता देते उनके लिए बेहतर था। बात ये है कि अगर एक चीज़ आपके हक में बेहतर है और हम समझ रहे हैं कि आप वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी में है तला साहब, तो फिर हम इधर उधर जाने की बजाय आपसे बात कर लेंगे। एक चीज़ आपको हमें पता है कि वो फ़िलहाल आप इस स्टेट में ही नहीं है कि हम आपको बता सकें, और कोई बता दे तो हमारी मुश्किल तो बढ़ जाती है ना। एडिक्शन ने ना हमें माइंडसेट ही ये दिया हुआ है कि हर वक्त इल्ज़ाम बाहर वाली दुनिया पे, हर वक्त ऐसे ही। बिलाल साहब, अम्मी का कसूर, मैं छोटे भाइयों को मारता हूँ तो उनका कसूर, मैं विलिंग वेज आके शरारतें करता हूँ तो इन लोगों का कसूर। ये बात है कि जब आप ये कह देते हैं ना कि मुझसे गलती हुई है, मैं इसको रियलाइज़ कर रहा हूँ और अब मैं अमेंड्स करने को तैयार हूँ, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज मैं फेस कर रहा हूँ, वहाँ से पता चलता है कि मसले वाकई तैयब साहब आपने जिस दिन सरेंडर किया है ना, अगले दिन से आपको उसके छोटे छोटे बेनिफिट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हमें शुरू में छोटा फ़ायदा मिल रहा होता है ना तो हम एट टाइम्स उसे डिस्काउंट कर देते हैं। ये एक रूल ऑफ थंब है कि चाहे बिज़नेस हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे वेट लॉस प्रोग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, जब शुरू में हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो अगले 90 डेज़ तक हम उसमें होने वाले सारे प्रॉफिट्स को डिस्काउंट करते रहते हैं। हमें लग रहा होता है कि नहीं इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। ये एक जनरल रूल है कि शुरू में हर छोटी प्रोग्रेस को हम कहते हैं कि नहीं शायद फ़ायदा नहीं हो रहा, और इसीलिए बहुत सी चीज़ें शुरू के 90 डेज़ में ही फिजल आउट हो जाती हैं, यानी वो ख़त्म हो जाती हैं। हमें लग रहा होता है ओहो नहीं मुझे तो फ़ायदा नहीं हो रहा, वेट तो कम नहीं हो रहा, फलां चीज़ तो नहीं हो रही, बिज़नेस में तो इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। हालाँकि शुरू के 90 डेज़ ही सब्र से रहना होता है और कंसिस्टेंट रहना होता है, परसिस्टेंट रहना होता है। एग्जैक्टली और फिर जाकर अगले 9 मंथ्स में हमें उसके सारे फ्रूट्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। रिकवरी में भी यही चीज़ होती है। रिकवरी में भी हमें लग रहा होता है कि इतना तो फ़ायदा, इतना तो मैं वैसे बुरा नहीं था, और इतना मैंने कोई आप लोगों ने 100 दिन में क्या कर लिया मेरे साथ, 500 दिन भी रख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फलां चीज़ कर लेंगे, फलां चीज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हालांकि अगर आप हमारी नज़र से देखें ना, बल्कि पहले ना काफ़ी यहाँ पर एक प्रोटोकॉल था जो हुआ करता होता था, काफ़ी टाइम से हम सोच रहे हैं उसको दोबारा इम्प्लीमेंट करें बट हो नहीं पा रहा। अब से हम शुरू कर देते हैं। जब पेशेंट्स आते थे ना तो उस दिन फर्स्ट डे ना उनकी पिक्चर ले ली जाती थी, और जब वो डिस्चार्ज होते थे तो उस दिन भी उनकी पिक्चर लेते थे, और जब उनको दिखाते थे ना तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था, उनकी सेहत में, उनकी सैनिटी में, बातों वगैरह में, यानी वो सारी चीज़ें फैमिली बता रही होती थी। फिर ताल्लुकात में डिफरेंसेस आप खुद ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर स्पिरिचुअली वो बहुत हील हुए होते हैं। तो सिर्फ एक फ़िज़िकल अपीयरेंस जिसको हम रिकॉर्ड करते थे और बाकी सारी चीज़ें हम वैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये आपको बता देती थी कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, यानी आप खुद देखें। मैं आप तो 140 डेज़ की बात कर रहे हैं ना मोहित साहब, आप जिस दिन यहाँ पर आए थे और आज आपको कौन सा डे है, आज में और उस दिन में ही बहुत डिफरेंस है। तो आप सोचें कि 140 डेज़ मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, मैंने आपको, मैं वहाँ खड़ी 2 घंटे से ऑब्ज़र्व करी थी जब आपको ऊपर लेकर जाना था। जो नैगिंग थी, जो लड़ाई झगड़ा था, जो टोन थी, जो पेरेंट्स थी, आपको तो पता ही नहीं था। मैंने तो अगले दिन आपको बताया था कि मोहित साहब मैं वो सारी चीज़ें देख रही थी नदीम साहब के ऑफिस के बाहर। तो मैं तो अभी कह सकती हूँ कि उस दिन में और आज के दिन में इतना फ़र्क है। इवन जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हैं सबकी पहली अपीयरेंस में और आज में बहुत डिफरेंस है। फिर उनके बात करने के तरीके में, फिर उनके ताल्लुकात में घर वालों के साथ, कैसे ताल्लुकात थे मुबीन साहब शुरू के 40 दिन? मैं तो बात कर रही हूँ कि मतलब आपकी बातों में फ़र्क था, रिजिस्ट तो आप भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जो ट्रीटमेंट और मतलब ट्रीटमेंट के ख़िलाफ़ जो चीज़ें चलती रहती थी मैं उनकी बात कर रही हूँ। 70 डेज़ लगे थे ना हमें ट्रीटमेंट को मानने में, हाँ उसके बाद बेहतर हो गए। मैंने मुबीन साहब से कहा 40 दिन तक होती रही ना LOC पे फायरिंग, उसके बाद फिर अब्दुलरहमान साहब अभी तक होती रही है ना, बीच में अच्छे दिन भी आते हैं। फिर पिछले ही दिनों एक अनसुपरवाइज मीटिंग दी, फिर जंग शुरू हो गई, हुई ना, तो लेकिन बीच में अच्छे दिन भी आते हैं। और हमें हौसला इस चीज़ से होता है कि वही पेशेंट्स जो इतना रिजिस्ट कर रहे होते हैं, वही पेशेंट्स जो रिकवरी में बड़ी मुश्किल से बड़ी अड़फस से लगा रहे होते हैं, वही पेशेंट बहुत एक्सेल भी करते हैं। हमारे ही पेशेंट्स हैं जो रोज़ लड़ झगड़ कर ठीक हो जाते हैं। तो इस चीज़ की उम्मीद हमें पूरी, हम कहते हैं आप भी रखा करें, हम आपकी फैमिली से भी कहते हैं छोटी छोटी मिलने वाली प्रोग्रेस को काउंट किया करें। वो भी डिस्काउंट कर देते हैं, जहाँ पर वो भी तो भूल जाते हैं ना बेचारे कि शुरू में जहाँ इतनी लड़ाइयाँ होती थी, अब पेशेंट ऑफ भी करते हैं तो वो कहते हैं कि मिस हफ्सा ये ठीक नहीं हुआ अभी तक। पहली मीटिंग्स डिनाइल की वजह से हो सकती हैं कि उसमें आपने एक्सेप्ट नहीं किया होता ट्रीटमेंट को, उसमें आप चाह रहे होते हैं कि आप बादशाह सलामत होते हैं ना सब अपने घरों में, तो बादशाह सलामत को लाकर तो रख दिया जाए कहीं पर और उनको हर चीज़ पूछ कर करनी पड़े, तो वो ज़रा उनको डिनाइल से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम आपकी उस स्टेट से काफ़ी अंडरस्टैंड मतलब उसको करते हैं कि कोई बात नहीं, रिलेट भी करते हैं कि ऐसा करते हैं पेशेंट्स। मैं आपको बताऊं ये चीज़ इंतहाई नॉर्मल है हमारी नज़र में, यानी अगर कभी आपके हालात और आपके जज्बात और रवैये आपस में मुताबकत रखना शुरू हो जाए ना, आपस में व्हाट डू वी कॉल इट, वो वर्ड क्या है, कॉन्ग्रुएंस उसके अंदर आ जाए, यानी अगर आपके बिहेवियर्स और आपके हालात में कॉन्ग्रुएंस आ जाए, मुताबकत आ जाए, सिंक करना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। मैं बताती हूँ, कॉन्ग्रुएंस होती है आप मुताबकत, सिंक करना। मिसाल से समझा देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। जैसे अगर किसी फ्यूनरल पर जाएं तो लोगों के मूड और रवैये कैसे होंगे, ऑफ, सैड, रो रहे होंगे, बुरा हाल नज़र आ रहा होगा, तो क्या कोई पैनिक करता है देख करके क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? क्या कोई इनसे बार बार सवाल पूछता है कि क्यों रो रहे हो? अंडरस्टैंडेबल होती है ना सिचुएशन, कि कॉन्ग्रुएंस है, उसके अंदर एक मुताबकत है, ऐसे हालात में ऐसा मूड होना चाहिए। नहीं, वो न्यू नॉर्मल नहीं होता, वो होता है कि उस हालत में वैसा ही मूड बनता है। फिर अगर आप किसी शादी पर चले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आपको ज़्यादातर खुशियाँ और लाइट्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, लोग मुबारक दे रहे होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, तो क्या कोई हैरान होकर पूछता है कि भाई क्यों इतनी खुशियाँ चढ़ी हुई हैं आपको? नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल है। लाइकवाइज जब कोई किसी हॉस्पिटल सेटिंग में आता है या लाया जाता है, तो जब वो यहाँ पर आते हैं और आकर कुछ झगड़ा मगड़ा करते हैं, कुछ मिसबिहेव सा करते हैं, कभी हमारे साथ, कभी पेरेंट्स के साथ, कोऑपरेशन नहीं देते, कहते हैं मैं बॉयकॉट कर दूंगा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं क्लासेस ग्रुप्स में नहीं आऊँगा, तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारा स्टाफ या हम में से कोई पैनिक कर रहा हो। मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ कि ओ हो सलमान साहब ने तो कह दिया कि अब तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, जो कि इन्होंने कहा था। देखें, लड़ना सिर्फ ये नहीं होता कि हम कोई हाथापाई करें, हम कोई बदतमीजियाँ करें, अगर हम बात नहीं मान रहे ये भी लड़ना होता है, अगर हम तंग कर रहे हैं बाकी बच्चों को, बहन भाइयों को जिद कर रहे हैं, ये भी लड़ना होता है। को 1-2 मिनट हुए होंगे कि नहीं कर रहे। मिथ्स का पता है ना क्या होती हैं, अफवाहें, गलत फहमियाँ, ये चीज़ें। एडिक्शन रिकवरी से रिलेटेड ना ढेर सारे मिथ्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द रन करती रहती हैं, और हम भी एक अरसा इन मिथ्स पर रिलाई करते रहते हैं कि शायद ये चीज़ें ठीक हैं। जिसमें सबसे पहले है कि वो कहते हैं कि एडिक्शन कोई किरदार की खराबी है या कोई मॉरल फेलियर है, यानी जो नशे की बीमारी है ना, ये कोई किरदार की खराबी है, किसी बंदे का किरदार ख़राब होता है तो वो नशे की तरफ जाता है, या ये कोई अखलाकियात या मॉरल्स से गिरी हुई कोई चीज़ है जिसकी वजह से कोई नशे करता है। लोग समझते हैं कि एक बंदे का किरदार ख़राब है इसलिए वो नशों की तरफ गया है, ये बात सच नहीं है। नशे की तरफ जाने के लिए किरदार का ख़राब होना ज़रूरी नहीं है, एक इंसान नशे की तरफ चला गया है, जाने के बाद उसका किरदार ख़राब हो सकता है, होगा डेफिनेटली, ये एक चीज़ फैक्ट है। जो भी ड्रग एडिक्शन में जाएगा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट्स ना हो। ड्रग एडिक्शन चलाए रखने के लिए कैरेक्टर डिफेक्ट्स का होना बड़ा ज़रूरी है, वरना एडिक्शन तो रह ही नहीं सकती। जो किरदार की खराबियाँ हैं ना, ये ड्रग एडिक्शन का नतीजा है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये प्री रेक्विजिट नहीं है। यानी पहले होना ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान का पहले किरदार ख़राब हो और फिर वो नशे की तरफ जाए। वो नशे की तरफ जाता है अपने मूड मिजाज को फिक्स करने के लिए, वो नशे की तरफ जाता है एंजॉय करने के लिए, वो नशे की तरफ जाता है फ़न आफ्टर फ़न के लिए, गम गलत करने के लिए, ब्रेकअप से हील करने के लिए, कोई और चीज़ करने के लिए। जो भी रीज़न्स उन्होंने अपने आप को दे रखी हैं कि हम इस वजह से नशे की तरफ जाते हैं। कोई भी इस वजह से नशे की तरफ नहीं जाता कि किरदार नहीं ठीक, लेकिन जब एक बार लोग नशे की तरफ चले जाते हैं तो फिर उनके अंदर किरदार की खराबियाँ आना शुरू हो जाती हैं। किरदार की खराबियाँ क्या होती हैं, ये डिपेंड करता है, आएंगी हर बंदे में। अच्छा, अब रिपेयर की जहाँ तक बात है तो नशा ख़त्म करने से किरदार की खराबियाँ माइनस नहीं होती खुद ब खुद, उस पर काम करना पड़ता है कॉन्शियसली। जैसे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर एक इंसान ने ड्रग्स करना बंद कर दिए हैं तो झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होना या और इस किस्म की किरदार की खराबियों में जाना, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी क्योंकि अब हमने नशा छोड़ दिया है। अगर एक इंसान ने नशे के लिए पैसे चुराए थे और अब वो नशा नहीं करता तो ज़ाहिर है उसे पैसे चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए उसने ये वाली ख़राबी नहीं की। लेकिन किसी और शक्ल में होती रहेंगी, कोई किसी और बात पे झूठ बोल दिया जाएगा, हर राज रखना, पर्दे डालना। जिस तरह अब मैंने नशा छोड़ दिया लेकिन मेरा एक दोस्त है जो रिलैप्स कर गया, लेकिन मैंने उसका राज रखना है, ये भी तो कैरेक्टर डिफेक्ट है। उसका राज क्यों रखना, नहीं उसका किसी को नहीं बताना कि, या अगर फलां दोस्त का अफेयर है और हमने नहीं बताना और हम इनेबल कर रहे हैं उस चीज़ में, तो क्या ये बुराई नहीं है? क्या ये बुरा काम नहीं कि हम छुप कर हर चीज़ कर रहे हैं, ना उसके पेरेंट्स को बता रहे हैं हेल्प के लिए, ना अपनी खुद असर्ट कर रहे हैं। यानी ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी ना किसी शक्ल में चलती रहती हैं। एक पेशेंट ने पिछले दिनों शेयर किया था, मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल बताई भी थी, कि पहले वो उनका एक पैटर्न था चोरी करने का, कि वो अपनी मदर के बैग में से पैसे निकाल कर ढेर सारा नशा स्कोर करने के लिए जाते थे, और ये नहीं कि वो पैसे चुरा कर नशा करते थे। कभी कोई ज्वेलरी हाथ लग गई वो चुरा कर नशा कर लिया, कोई एक्सपेंसिव कैमरा है, कोई और चीज़ घर की देख ली वो चुरा कर नशा कर दिया। अब नशा नहीं वो करते, लेकिन अब उनको खाना खाने में मज़ा आता है। खाना खाना तो बुरी बात नहीं है ना, तो अब वो अपनी मदर के बैग से पैसे चुरा कर खाना मंगवाते हैं। फिर उनका वज़न बढ़ता जा रहा था, फिर घर वालों ने पैसे देना बंद कर दिए, जिसकी वजह से उनको पैसे चुराने पड़ गए। कि अच्छा, अब वो सेम पैटर्न जो नशे के लिए इस्तेमाल होता था, क्या वो सेम पैटर्न खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा? क्या ये वो कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है? लेकिन नशा तो नहीं करते ना, तो फिर ये कैरेक्टर डिफेक्ट क्यों नहीं गया? देखिए कामरान साहब, जिस चीज़ के पता होने की ज़रूरत है ना, वो पता होना चाहिए। ये पता होने की ज़रूरत है कि मैं वापस क्यों आया हूँ इलाज में। आपको अगर हम बता दें ना कि आपके 100 दिन है, मैं सिर्फ मिसाल ले रही हूँ, तो सारे इश्यूज नीचे दब जाएंगे और रोज़ाना इस चीज़ पर बात होगी कि मैंने नहीं रहना करते करते 90वें दिन पर हम चले जाएँगे और फिर हम कहेंगे अब तो मेरे 10 दिन रह गए, और फिर वो बहुत थोड़े दिन होंगे इशूज़ पर बात करने के लिए। कुछ चीज़ें हमारी मजबूरी होती हैं कि वो हम आपसे छुपाते हैं, इसलिए नहीं कि कोई मेलाफाइडी है बीच में, इसलिए कि हमें पता है कि बता देंगे तो इशू पर बात ही नहीं होनी। अब मुझे आप लोगों में से ही कुछ पेशेंट्स बता देना, अली जाहिद साहब कितने दिन हो गए आपको इलाज में? 30 डेज़ हो गए। 30 डेज़ में कितने दिन हमने इशूज़ पर बात की है, ज़रा ऑनेस्टली बताइएगा। आधा भी नहीं, ये पिछली 2 मीटिंग सिर्फ। उससे पहले मैट्रेस, चिप्स, इंडोर नहीं रहना, टाइम नहीं गुजरता, फलां चीज़, फालसे, ऐसी थी ना सारी मीटिंग्स। अब मुझे बताएं, ये वाली मीटिंग्स में अगर 15 मिनट की मीटिंग में हम सिर्फ बात ही ये कर रहे हैं कि मैट्रेस बदलवा दो या चिप्स ला दो या फालसे ला दो, उसका सीज़न है, या मैंने नहीं रहना, या मुझे क्यों यहाँ पर एडमिट कराया है, तो दिन तो गुजर गया ना। और हम बार बार खड़े कह रहे होते हैं इशू पर बात करें। मत इन नॉन इश्यूज़ में जाएं, पूरा दिन है, हम उस पर बात कर लेंगे। फ़िलहाल फैमिली मीटिंग को थेरेप्यूटिक बनाते हैं। हम काम करते हैं प्रोबेबिलिटी पे। मैं आपके साथ इलाज में मेहनत करके इम्कान बढ़ा सकती हूँ कि आप रिलैप्स ना करें, आप मेरे साथ ताउन करके इम्कान बढ़ा सकते हैं कि आप रिकवरी में रहें। पिछले दिनों ना मैं एक पेशेंट को यही चीज़ समझा रही थी कि जब आप अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स पर बात करना शुरू कर देते हैं ना, वो पहला साइन होता है कि आप ये चीज़ बता रहे हैं सबको, अपने आप को भी, कि मैंने आइंदा ये चीज़ नहीं दोहरानी। अपनी फैमिली से बार बार बात करें उस चीज़ पर कि मैं बहुत झूठ बोलता था, फ़लाँ जगह पर मैंने आपको धोखा दिया, फ़लाँ जगह पर मैंने ये किया। बार बार बात करें और उनको हर दफ़ा बताएं कि मैंने ये काम आइंदा नहीं करना। वैसे अगर आप ये जुमला नहीं भी बोलते ना, तो जो भी इंसान नहीं हर्ट नहीं होते बार बार बोलने से। पता उनको सब कुछ होता है कि आपने क्या कुछ किया पहले, हर्ट वो ऑलरेडी बड़े हैं, इससे ज़्यादा हर्ट वो हो नहीं सकते। लेकिन अगर आप उनको ये चीज़ बता देंगे ना, ये सिर्फ आपको लग रहा है कि वो हर्ट होंगे। मैं आपको अपने उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जो हमने पढ़ा है, देखा है यहाँ पर प्रैक्टिकली, कि अगर आप उन चीज़ों पर बात करते हैं ना, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। आप दोनों ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं बिल्कुल, कि देखें चलो अच्छी बात है, सच तो बोल रहे हैं ना। और इससे पता चलता है कि आइंदा नहीं आपने ये कुछ करना। देखें वो एक फैमिली बता रही है कि हीलिंग में हेल्प होती है, लेकिन अगर बच्चा बात ही ना करे इश्यूज़ पर, बच्चा इस बारे में बात ही ना करे कि मैंने कहा, फोर्थ स्टेप पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं सब। जब आप इलाज में आते हैं ना, ढेर सारी चीज़ें होती हैं फैमिली के लिए जो नई होती हैं। आपने इस चीज़ का परेशानी लेनी ही नहीं है कि सामने वाला बंदा आपकी बात को कैसे रिसीव करेगा। यानी ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये उनके मूड मैनेजमेंट में जाती है चीज़। रेपुटेशन आपने बनाई हुई है, रेपुटेशन का सबको पता है कि कौन कितने पानी में है। मैं वैसे आपको सबको बता दूं, क्या घर के मुलाजमों को नहीं पता होता कि नशे हो रहे हैं? वो मुँह पर ज़रूरी है। घर के मुलाजिमों को पता होता है, नेबर्स को पता होता है। अगर किसी को नहीं पता होता ना, तो वो मासूम माँ बाप हो सकते हैं। देखें हर इंसान को पता है नशा करने के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं। अगर वो उस पर ओपनली बात नहीं करते, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। अगर सलमान साहब आपको आकर कोई कह नहीं रहा ना कि सर आपने ये 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 सब कुछ किया हुआ है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। उन्हें पता है हर चीज़, वो रिगार्ड रखते हैं हमेशा, वो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह हमें भी हर चीज़ पता है आपकी, लेकिन हमेशा रिस्पेक्ट और रिगार्ड को बीच में रखा है। तो वो क्योंकि इस इलाज में एक ज़िम्मेदारी है हमारी और उसको हमेशा निभाना ज़रूरी है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि पता नहीं होता। जब एक इंसान सिगरेट यूज़ करता है तो कुछ परसेंटेज बढ़ जाती है उसके किसी और केमिकल पर स्विच करने की, उसके बाद वो चर्च पर चला जाता है, उसके बाद कुछ परसेंटेज और बढ़ जाती है कि अब वो कुछ और ड्रग इस्तेमाल कर सकता है। यानी बात शुरू कहाँ से होती है? सिगरेट से। अब ये चीज़ हमेशा पीछे से ऐसे ही होगी। जो रिलैप्स होता है ना, ये एक यानी ये एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह आप समझ लें कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, संडे को देखते हैं ना मूवी यहाँ पर, अगर आप हाफ वे थ्रू जाकर उसको वापस शुरू से लगा दें, तो सेम स्टोरी नहीं रिपीट होगी, सेम सीन्स नहीं देखेंगे जो चीज़ आप देख चुके हैं। रिलैप्स ये होता है। आपको हमेशा अपने आप को ये मैसेज देना है कि सेम स्टोरी रिपीट होगी तो मैं उस ट्रैक पर हूँ। कभी भी इस चीज़ में ना आए कि नहीं इस दफ़ा मैं बच जाऊँगा, इस दफ़ा मैं नहीं ये करूँगा, इस दफ़ा अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं कंट्रोल करके पी लूँगा। नहीं, अगर आप इस दफ़ा भी सिगरेट पियेंगे तो आप ड्रग पर जाएंगे, आज नहीं तो कल। अगर आप जाकर वेपिंग शुरू कर देंगे, अगर आप वीलो लेना शुरू कर देंगे, अगर आप कोई और XYZ चीज़ें लेना शुरू कर देंगे, इवन अगर आप ज़्यादा स्टिंग रेडबुल पीना शुरू कर देंगे, तो टाइम वेरी कर सकता है कि 1 महीने 2 महीने 2 दिन, लेकिन वही पैटर्न शुरू हो जाएगा। रातों को जागना, दिन को सोना, खाने पीने की रूटीन ख़राब, आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात में चिड़चिड़ापन, लेकिन आंखों के आगे डिनाइल की पट्टी आ जाएगी, उसमें लगना शुरू हो जाएगा ये जो मैंने लड़ाई की है ना, इसमें तो कसूर माँ बाप का था, ये तो मेरी बात नहीं सुन रहे इसलिए मुझे गुस्सा आया था, ये तो मुलाजिम ने काम नहीं सही किया इसलिए मैंने ग्लास उठाकर तोड़ दिया था। कोई ये नहीं सोचेगा कि ये जो मैं एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा सिगरेट और उसके बाद पूरी डब्बी पीना शुरू हो गया हूँ ना, इसने मेरी दवाई की एफिकेसी को कम कर दी है और मेरे मूड मिजाज की गड़बड़ शुरू हो गई है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर वन फाइन डे हम अपने ड्रग ऑफ चॉइस की तरफ चले जाते हैं या किसी और ड्रग की तरफ, और फिर हम कहते हैं कि ना आप मुझे उस दिन गुस्सा करते, ना मैं ये सब कुछ करता, मैं तो सेलिब्रेट कर रहा था, मुझे तो गम ही बहुत थे, मैं इसलिए कर रहा था। तो उस वक्त फिर आपके पास ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं जो कि आपको पहले ही कहीं सोच लेने चाहिए कि फ़िल्म दोबारा पीछे से शुरू हो गई है। उसके लिए फिर आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके मीडियम पर, यानी जो आपने चूज़ किया होगा, वो डिबेटेबल है। अगर तो आप खुद से छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं छोड़ेंगे। आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी, बाकी सबको भी, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ छोड़ने की। अगर पेशेंट खुद से बात नहीं कर रहे तो अगर आपको पता चल रही है तो आप बात कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप मतलब कॉन्फ्रंटेशन अगर आपने सीखी हुई है तो आप वो बात कर सकते हैं उनसे। अगर एक चीज़ आपके इल्म में है ही नहीं और वो सिर्फ उनको पता है और उन्होंने नहीं बताई तो जाहिर है वो हम नहीं जान सकते, तो उस पर डेफिनेटली बात करनी चाहिए। यानी जितनी भी चीज़ें विजिबल है ना उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कभी भी नहीं जाने देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक चीज़ यहाँ गलत होते देखी है और मैंने वो देख ली है तो मुझे उस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। अक्सर औकात हम उन चीज़ों को जाने देते हैं, लेट गो करते हैं कि चलो छोड़ो, शर्मिंदगी होगी। बाज़ औकात पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उसके और मेरे दरमियान जो झिझक है वो ना खुल जाए कहीं। अक्सर औकात ऐसा हुआ ना, सिगरेट पर ऐसे इसलिए नहीं बात की जाती कि खुल खुला कर ना पीना शुरू हो जाए वो, तो अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उस पर भी बात कर लेंगे, उसको भी माइनस करेंगे या उसके लिए भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपना रजिस्टर कराएंगे। लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होना चाहिए कि चलो बात ही नहीं करते, लेट गो करते हैं, शायद खुद ही ठीक हो जाए। जितनी चीज़ें विजिबल हैं उन सब पर बात होनी चाहिए। फिर प्रायोरिटाइज कर लें कि पहले 3 नंबर्स पर मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए कि पहले ये ठीक हों, जब उनमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएँ तो अगली वाली प्लेट में ऊपर ले आएँ कि ये वाली अब ठीक होनी चाहिए। यानी फिर सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं लेकर जाएंगे, फिर हम कहेंगे पहले तो आप इन दोनों चीज़ों पर काम करेंगे, ये हर हाल में होनी चाहिए। अगर एहतशाम साहब बहस कर रहे हैं कि कोविड में 2 दिन का क्वारंटीन है, मैं कह रही हूँ नहीं 4 दिन का क्वारंटीन है, हम दोनों एक पेज पर नहीं आ रहे, तो हमें किसी राइट फोरम से पता कर लेना चाहिए ना, जो WHO हो सकता है, हम वहाँ लिख सकते हैं कि जी कितना क्वारंटीन है तो हम दोनों को क्लियर हो जाएगा इतने दिन का। तो एक बंदा जो कह रहा है कि नहीं सिगरेट भी मेरे लिए नुकसानदेह है, तो उसने कहाँ से प्रोटोकॉल पढ़े, वो अपना रेफरेंस बता दे। एक बंदा कह रहा है कि नहीं वंस अ वाइल पार्टी करने में कोई बुराई नहीं है, उन्होंने कहाँ से प्रोटोकॉल पढ़े, वो अपना बता दें रेफरेंस। फिर वो दोनों राइट फोरम, जो कि नाइडा हो सकता है, जो कि हेजल्डन हो सकता है, यानी इस तरह के इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, उनके पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं और दोनों उनको फॉलो करना शुरू कर दें। बहस करने के लिए एजुकेशन का होना ना होना ज़रूरी नहीं है। अब जब हमारे पेशेंट्स आते हैं तो हम उनसे लंबी लंबी बहसें नहीं खोल के बैठ जाते, आते ही शुरू में उनकी मीटिंग्स भी टच एंड गो होती हैं, छोटी छोटी, जिसमें बहस नहीं करवानी है हमने। सवाल ये था इनका कि 4th स्टेप पर काम करने यानी कैरेक्टर डिफेक्ट्स बताने को फैमिली को बताने से पहले उन रिजेंटमेंट्स पर बात होनी चाहिए जो हमने एक दूसरे के लिए दिल में पाली हुई है। तो मैंने कहा हाँ पहले उस पर होनी चाहिए, फिर 4th स्टेप पे। अच्छा तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।